अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज राइटिंग और स्पीच नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली। राइटर यूज फिगरेटिव लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आइडियाज इन विविड और इमेजिनेटिव वे। फॉर एग्जाम्पल द एप्पल ऑफ माई आई, फॉर एवर चेजिंग रैनबो। सो फिगरेटिव लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं? तो फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब है कि इस तरीके से किसी बात को लिखना या बयान करना कि अगर हम लिटरली उसकी वो मीनिंग लें तो वो बिल्कुल एक्चुअल मीनिंग से डिफरेंट होगी। राइटर्स जब फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो वो क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? वो इसलिए ही यूज़ करते हैं कि वो अपने आइडियाज़ को इस तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि उनके आइडियाज़ इमेजिनेटिव लगें और सुनने वाले को वो भले मालूम हो और वो बात को एक नए अंदाज में पेश करें जिससे सुनने वाला जो है अट्रैक्ट हो उनकी बात की जानिब और उनकी बात में वज़न पैदा हो। तो हमारे पास एक और डेफिनेशन है फिगरेटिव लैंग्वेज की, विच इज़ दैट फिगरेटिव लैंग्वेज द यूज ऑफ लैंग्वेज इन नॉन लिटरल वे। लिटरल एग्जैक्टली व्हाट इज स्टेटेड, हिट द रोड। नॉन लिटरल द अंडरस्टूड मीनिंग, लिव अ सिचुएशन। सो फिगरेटिव लैंग्वेज को जो यूज़ है वो नॉन लिटरल वे में होता है। लिटररी उसकी जो हम मीनिंग लेते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है उसकी एक्चुअल मीनिंग से। तो ये नॉन लिटरल वे राइटिंग होती है और इसकी जो हम मीनिंग होती है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक अगर कोई आपसे कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो या आप मुझे बहुत अजीज़ हो, और यही बात अगर वो ऐसे कहे कि आप मेरी आँख के तारे हो, तो सुनने वाले को आप को ये बात ज़्यादा अच्छी लगेगी बजाय इसके जब आप कहेंगे कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जब आप ये कहेंगे कि आप मेरी आँख के तारे हो तो ये बात सुनने वाले को बहुत अच्छी लगेगी और वो ये इस बात की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो आप मेरी आँख के तारे हो वाली जो ज़बान है, जो लैंग्वेज है, वही फिगरेटिव लैंग्वेज है। फिगरेटिव लैंग्वेज की बहुत सारी जो है टाइप्स होती हैं, अब मैं आपको उनकी टाइप्स बताती हूँ। हमारे पास सम डिफरेंट टाइप्स हैं, सारी नहीं हैं लेकिन कुछ हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप इज़ इमेजरी, सिमिली, मेटाफर, इलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, ऑनोमोटोपिया, हाइपरबोल, ईडियम्स, आयरनी, यूफेमिज्म, मेटोनेम्स, एंटीथेसिस, एपोस्ट्रोफी, एसोनेंस, पैराडॉक्स, लिटोट्स, ऑक्सीमोरन, सिनेकडोच, सिंबोलिज्म which we select here, which is simile. What is simile? Why we use simile? और कहाँ पर हम simile को use करते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो sentence हमारे सामने हैं, उसमें simile को use किया गया है, जो कि figurative language की एक type है. The definition of simile is that a comparison of two things by using the word like or is. जब भी हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और उसमें अगर हम लाइक या इज का इस्तेमाल करें तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर फिगरेटिव लैंग्वेज की जो टाइप यूज हुई है वो सिमिली है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अली ऐसे लंबा है जैसे ज़राफ़ा लंबा है, सो अली इज़ एज टॉल एज अ जैरिफ। इसी तरह से हमारे पास सिमिली की
और भी एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास है एप्पल आर स्वीट लाइक अ कैंडी। अब एप्पल की स्वीटनेस को किसके साथ कंपेयर किया गया है? कैंडी के साथ। द एप्पल इज एज ग्रीन एज ग्रास। एप्पल के कलर को किसके साथ कंपेयर किया गया है? ग्रास के साथ। तो जहाँ पर भी आपको लाइक और एज दोनों में से कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में मिले तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर फिगरेटिव लैंग्वेज सिमिली यूज़ किया गया है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिजी एज बी, स्पार्कल लाइक डायमंड्स, हंग्री एज अ बियर, फ्लैट एज अ पैनकेक, हार्ड एज अ रॉक। आप किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हार्ड एज अ रॉक, आप कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत हार्ड हो और हम उसके लिए कहें कि वो ऐसे हार्ड है जैसे कि रॉक्स हार्ड होते हैं। इसी तरीके से कुछ कोई ऐसी चीज़ जो कि फ्लैट हो, आप उसके लिए अगर आप यूज़ करें फ्लैट एज अ पैनकेक, तो ये भी सिमिली की जाएगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज मेटाफर। व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर, अ मेटाफर कंपेयर्स वन आइटम्स विद एन अदर बाय सेइंग दैट इट इज द अदर आइटम। मेटाफर और सिमिली बहुत बार बहुत सारे लोग को इसे मिक्स हो जाता है। तो मैंने सिमिली के लिए आपको जो सबसे आसान तरीका बताया है उसको आप किस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सेंटेंसेस में, वो है कि आपने जहाँ भी एज या लाइक दोनों में से किसी एक को भी सेंटेंस में देखना है और वो किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेरिजन कर रहे हो तो आपने समझ जाना है कि यहाँ सिमिली यूज हो रही है। जैसे अगर हम कहें माय ब्रदर इज ब्रेव लाइक अ लायन, तो अब यहाँ हमारे पास सिमिली है। लेकिन अगर हम कहें माय ब्रदर इज लायन, अब मैंने अपने भाई को लायन कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो बहादुर है। तो यहाँ पर हम मेटाफर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि किसी एक आइटम को किसी दूसरे आइटम के साथ इस तरह से कंपेयर करना कि हम कहें कि वो चीज़ वो खुद है, जैसे मैंने अपने भाई को ही शेयर कर दिया। यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है, योर रूम इज़ अ पेगस्ट्री। तो यहाँ पर रूम इतना मैसअप था कि उन्होंने उसको किससे कंपेयर कर दिया? पेगस्ट्री से। ओके, देयर आर सम एग्जाम्पल्स अबाउट द मेटाफर। द सन वॉज अ ग्लीमिंग पर्ल। माई बेबी ब्रदर इज़ अ क्यूट लिटिल टेडी बियर। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा भाई टेडी बियर की तरह क्यूट है। यहाँ पर बात हो रही है माई ब्रदर इज़ अ क्यूट लिटिल टेडी बियर, मेरा भाई है ही क्यूट लिटिल टेडी बियर। इट मीन्स इट इज़ मेटाफर। मेटाफर में हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ ही कह रहे हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज माई सिस्टर मेमोरी इज अ कैमरा दैट रिमेंबर एवरी थिंग वी सी। द कैट सीट द कार सीट इज अ फ्लफी क्लाउड। कस्टर इज हैपनेस इन अ बॉल। ओके, हियर इज एन अदर एग्जाम्पल। ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट, ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका दिल पत्थर का है। तो अगर हम इसकी नॉन लिटरल मीनिंग ले देखते हैं, अंडरस्टूड मीनिंग, तो मीन्स उसका दिल सख्त है। जब किसी का दिल सख्त हो तो हम उसे कह रहे होते हैं कि आप बहुत सख्त हैं। लेकिन अगर हम इसको फिगरेटिव लैंग्वेज में कहेंगे तो हम किस तरह से कहेंगे? हम कहेंगे कि योर हार्ट इज़ अ यू हैज़ अ
हार्ट ऑफ स्टोन। तो हम फिगरेटिव लैंग्वेज में अपनी बात को बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत नए अंदाज में, निराले अंदाज में कह रहे होते हैं कि जो कि सामने वाले को अट्रैक्ट करें। द सेकेंड सेंटेंस इज टाइम इज मनी, द अदर वन इज यू आर माई सनशाइन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड नो द डिफरेंट बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। मेटाफर, सो वट इज सिमिली? सिमिली अ कंपेयर ऑफ टू थिंग्स दैट आर नॉट नॉर्मली अलाइक यूजिंग लाइक और एज। वट इज मेटाफर? अ मेटाफर डिस्क्राइब वन थिंग एज समथिंग एल्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। अच्छा, तो इसकी एक और आपको हिंट दे देती हूँ कि सिमिली में हमारे पास लाइक और एज यूज नहीं होता, लेकिन हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। सॉरी, मेटाफर में हम एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं लेकिन लाइक और एज का इस्तेमाल किए बगैर। लेकिन सिमिली में हम जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो हम उसमें लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं। सो हेयर वी हैव एग्जाम्पल, यू आर एज स्किनी एज अ रेल। द सेकेंड एग्जाम्पल इज अबाउट द मेटाफर एंड यू आर अ माउंटेन। सो जो फर्स्ट सेंटेंस था, यू आर एज स्किनी एज रेल, ये सिमिली का है, और सेकेंड हमारे पास मेटाफर का है। ओके, अब हमारे पास कुछ और आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाए, ये कुछ एग्जांपल्स और हैं और डेफिनेशन है। टू मोस्ट फेमस मेथड दैट वर्क वेरी वेल आर सिमिली एंड मेटाफर। बोथ ऑफ देम आर वाइडली यूज बाय राइटर्स टू क्रिएट मेंटल इमेज फॉर देयर रीडर्स एंड मेक देयर टेक्स्ट मोर लिवली एंड इंटरेस्टिंग। यूजेज ऑफ सिमिली, वेन यू यूज सिमिली यू से दैट समथिंग इज लाइक और इज समथिंग एल्स। जब भी आप सिमिली यूज करते हैं तो आप कहते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ की तरह है। और मेटाफर में हम क्या करते हैं, वेन यू पेंट अ पिक्चर बाय सेइंग दैट समथिंग इज समथिंग एल्स यू यूज मेटाफर। जब आप मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ का नाम देते हैं कि ये चीज़ है। ओके, इफ़ यू अंडरस्टैंड दीज प्रेजेंटेशन सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।